शादी पर जो जेवर मिलता है उसमें उस जेवर की ज़कात कौन देगा? शोहर देगा, बीवी देगी, सास ससुर देंगे, कौन देंगे? इसका हुक्म ये है कि अगर तो जैसे हमारे यहाँ होता है कि वो जेवर बख्शिश होता है, औरत को बख्शिश होता है, तो अगर औरत को गिफ्ट है, बख्शिश है, तो फिर तो जाहिर है वो औरत ही ज़कात देगी। अगर निसाब के बराबर है तो औरत ही ज़कात देगी। वो अलग बात है कि औरतों के पास पैसे नहीं होते तो वो शोहर को कहती है, शोहर ज़कात देते हैं, वो शोहर का एहसान है, शोहर का एहसान है, उनको एहसान मानना, अगरचे नहीं मानती लेकिन एहसान मानना चाहिए कि उसका एहसान। और दूसरी सूरत यह है कि वो जो सोना मिला है औरत को, वो सोना है शोहर का, शोहर ने दिया है, सिर्फ इस्तेमाल के लिए दिया, औरत को आरियतन दिया है, इस्तेमाल के लिए दिया है, औरत की मिल्कियत में नहीं दिया। जैसे जो दूसरे कौमों वाले होते हैं उनके यहाँ होता है कि वो बरी का जेवर होते हैं, जेवर चढ़ाते हैं, और शोहर की नीयत, शोहर की नीयत ये होती है कि हमने सिर्फ इस्तेमाल के लिए दिया। तो इस सूरत में वो जेवर शोहर का है, शोहर ही ज़कात निकालेगा, बीवी ज़कात नहीं निकालेगी और बीवी उसके मालिक भी नहीं है। तीसरी सूरत बाज़ कौमों में ये होती है कि वो जेवर सास या ससुर का होता है, ना शोहर का होता है, ना बीवी, ना उसकी बहू का होता है, बल्कि वो जेवर सास ससुर ने दिया होता है, वो सिर्फ इस्तेमाल के लिए दिया हुआ होता है, मिल्कियत में नहीं दिया हुआ। इस सूरत में क्योंकि सास ससुर का वो जेवर है तो सास ससुर पे ही ज़कात वाजिब होगी, ना शोहर पे वाजिब होगी, ना उसकी बीवी पे वाजिब होगी।